लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। यूपी में तो इस वक्त राजनेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मायावती को नगीना लोकसभा सीट को लेकर चिंता होने लगी है, जिसके लिए चुनावी रण में मायावती के उत्तराधिकारी कूद पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दिख रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां भी खूब जोर आजमाइश कर रही हैं, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मायावती की ओर से उत्तराधिकार देने की बात के बाद आकाश आनंद का ये पहला लोकसभा चुनाव है, लेकिन विपक्ष की ओर से चुनावी प्रचार अभियान का ठीक से आगाज नहीं हो सका है। उम्मीदवारों के स्तर पर ही अभी तक विपक्षी दल क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रमुख नेता पीएम नरेंद्र मोदी पिछले दिनों मेरठ से प्रचार अभियान का आगाज कर चुके हैं। वैसे तो यूपी में बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी यूपी में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खड़ी दिखती है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उस स्तर पर प्रचार अभियान को नहीं ले जा पा रहे हैं जिस स्तर पर बीजेपी का अभियान चल रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनावी मैदान में अलग ही तेवर और कलेवर के साथ उतरी है। पार्टी ने सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बड़े पैमाने पर इन वर्गों में टिकट को दे दिया है। साथ ही अब पार्टी के युवा चेहरे और पार्टी सुप्रीमो मायावती के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर चुके हैं, क्योंकि आकाश आनंद के लिए नगीना लोकसभा सीट बेहद अहम है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र ने नगीना सीट पर बसपा का पताका लहराया था। मोदी योगी लहर के बावजूद इस सीट पर सपा बसपा गठबंधन को जीत मिली थी। हालांकि इस बार बसपा ने नगीना सीट पर उम्मीदवार को बदल दिया है। इस बार बसपा ने सुरेंद्र पाल को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इन सबके बीच भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण भी नगीना सीट से उम्मीदवार हैं, और इसलिए नगीना सीट बसपा के लिए काफी अहम है। दरअसल चंद्रशेखर खुद को कांशी राम की राजनीति का असली वारिस बताते रहे हैं। चंद्रशेखर दलितों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाकर प्रदेश में बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते दिख रहे हैं, हालांकि उन्हें अभी तक उस स्तर पर सफलता नहीं मिली है। ऐसे में बसपा ने नगीना सीट से अपने युवा चेहरे आकाश आनंद को चुनावी प्रचार मैदान में उतार कर एक तरह से चंद्रशेखर को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है, जिसके बाद पूरी लड़ाई दलित वोट बैंक को अपने पाले में रखने की मानी जा रही है। क्योंकि वैसे तो मायावती को कभी भी चंद्रशेखर आजाद से वास्तविक चुनौती नहीं मिली या उनसे खतरा नहीं रहा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद को निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद से खतरा है। तभी मायावती और आकाश दोनों किसी तरह से चंद्रशेखर को हरवाने की राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए जैसे ही आकाश आनंद लोकसभा चुनाव अभियान पर निकले तो सबसे पहले नगीना पहुंचे, प्रचार किया, और वहां उनका पूरा निशाना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर ही रहा। कहा जा रहा है कि मायावती बढ़ती उम्र को लेकर यूपी चुनाव 2022 के दौरान ज्यादा सक्रिय नहीं दिख पाई थी। पार्टी के प्रमुख नेता के चुनावी मैदान से नदारद रहने के कारण यूपी में बसपा का वोट शेयर गिरा था, और इसलिए बसपा आकाश आनंद के जरिए अब एक बार फिर अपने कोर वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आकाश ने इससे पहले यूपी में साल 2019 में आगरा में केवल एक चुनावी रैली की थी, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान भी आकाश आनंद के हाथों में बसपा ने दी थी, और इस बार 2024 में भी आकाश आनंद मोर्चा संभालते दिख रहे हैं, और इसलिए आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दरअसल आकाश आनंद की नगीना लोकसभा सीट में रैली हो चुकी है। 7 अप्रैल को खुर्जा और बुलंदशहर में आकाश की 2 रैलियां थीं। 8 अप्रैल को बरेली में आकाश आनंद ने रैली की। 11 अप्रैल को मथुरा और आगरा की जनसभाओं में आकाश आनंद दिखेंगे। इसके बाद आकाश आनंद 12 अप्रैल को दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। 13 अप्रैल को अलीगढ़ और हाथरस, 17 अप्रैल को सहारनपुर में सभा करेंगे। आकाश आनंद मई तक करीब 25 रैलियां करने वाले हैं। वहीं अगर बात मायावती की करें तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के करीब 8 दिन पहले बसपा प्रमुख मायावती भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। मायावती का चुनावी प्रचार अभियान अमूमन इसी प्रकार से चलता है। वे आखिरी समय में चुनावी मैदान में उतरकर बाजी पलटने में माहिर रही हैं।
हालांकि पिछले कुछ समय में चुनावी राजनीति में हुए बदलावों ने उनकी रणनीति को कमजोर किया है और दावा किया जा रहा है कि मायावती 11 अप्रैल से अपनी सभाओं की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके बाद वो यूपी और अन्य प्रदेशों में भी जनसभा करती दिखाई देंगी। उनके 22 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर के चुनावी मैदान में भी उतरने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि पहले उनके नगीना सीट से ही चुनावी प्रचार में उतरने का दावा था, लेकिन पार्टी की ओर से आकाश आनंद नगीना सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतर गए और बसपा इसी रणनीति के तहत नगीना सीट और लोकसभा में अपनी सीट को पक्का करना चाहती है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो 4 जून का वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।